हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपॉइंटमेंट के करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ईयर 2023 में अब तक जितने भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। Our first question is, who has become UK city's first turban-wearing Lord Mayor? Right answer is option C, Jaswant Singh Bedi. Jaswant Singh Bedi, ये originally belong करते हैं पंजाब इंडिया से। इन्होंने history made की है by becoming the first Sikh councillor to hold the prestigious position of Lord Mayor in Coventry. The city known for its diverse community has embraced BD's appointment as a symbol of progress and inclusivity. ये आप याद रखिएगा। Next question, who has been appointed as new chairman of UPSC? Right answer is option B, Manoj Soni. Educationist Manoj Soni oath लेंगे as the chairman of Union Public Service Commission UPSC, ये आप याद रखिएगा। UPSC के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे फ्रेंड्स। यह एस्टेब्लिश हुआ 1 अक्टूबर 1926 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें 9 से लेकर 11 मेंबर होते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं चेयरमैन। हर मेंबर का टेन्योर होता है 6 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 एसोसिएटेड हैं UPSC से, ये भी आप याद रखिएगा। और UPSC फंक्शन करता है विद फुल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, RN जयप्रकाश। RN जयप्रकाश और मोनल डी चौकसी ये री इलेक्ट किए गए हैं एज प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एट इट्स एनुअल जनरल पार्टी, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। बात करें स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात में। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एफिलिएशन वर्ल्ड एक्वेटिक्स, ये फाउंड हुआ 1948 में। इसमें मेंबरशिप हैं 30 स्टेट्स और यूटी एसोसिएशंस। इसके CEO हैं वीरेंद्र नानावती, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक इन May 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिद्धरामैया। तो सिद्धरामैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ये आप याद रखिएगा। और साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा, द स्टेट्स 9th चीफ मिनिस्टर डी देवराज उर्स हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एंड स्पेंड द मोस्ट डेज इन ऑफिस। ही सर्व्ड फॉर 2790 डेज इन 2 सेपरेट टर्म्स, ये भी आप याद रखिएगा। कर्नाटक के बारे में देख लेंगे, ये फॉर्म हुआ 1 नवंबर 1956 में। इसकी कैपिटल है बेंगलुरु और CM हैं सिद्धरामैया। गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 224, काउंसिल सीट्स 75 और लोकसभा सीट्स हैं 28, राज्यसभा 12, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट CBI डायरेक्टर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन कर्नाटका थे, इन्हें अपॉइंट किया गया एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, ये आप याद रखिएगा। बात करें CBI की, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये फॉर्म्ड हुआ 1963 में बाय रिजोल्यूशन ऑफ होम मिनिस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। पेरेंट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। एजेंसी एग्जीक्यूटिव नियुक्त किए गए हैं प्रवीण सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन FIBA? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर के गोविंदराज।
डॉक्टर के गोविंद राज ये इलेक्ट किए गए प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी इंडियन को नॉमिनेट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिबा एशिया, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। बात करें इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन फिबा की, तो ये वर्ल्ड वाइड बास्केटबॉल स्पोर्ट की गवर्निंग बॉडी है जो कि एस्टेब्लिश हुई इन द ईयर 1932। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है हेमंग नियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल टेक ओथ एज सुप्रीम कोर्ट जजेस? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, के वी विश्वनाथन एंड प्रशांत मिश्रा, तो बोथ ऑफ द अबव। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट के वी विश्वनाथन ये स्वॉन लेंगे एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। विद दिस द वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ रीच्ड इट्स सैंक्शनड जज स्ट्रेंथ ऑफ 34। इट वॉज वर्किंग विद 32 जजेस फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड एम आर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सौरव गांगुली। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन एंड एक्स BCCI चीफ सौरव गांगुली को रोप्ड इन किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर त्रिपुरा टूरिज्म। बात करें त्रिपुरा की, तो इसकी कैपिटल है अगरतला, इसके गवर्नर हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्या, त्रिपुरा के CM हैं डॉक्टर मणिक साहा, ये भी आप याद रखिएगा। रीसेंट के एम्बेसडर के अपॉइंटमेंट्स की रिविजन कर लेंगे। द इंडियन मैट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स ने अपॉइंट किया विराट कोहली को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। गीता राव गुप्ता को अपॉइंट किया गया एज US एम्बेसडर एट लार्ज फॉर ग्लोबल वीमेंस इशूज। स्टार स्पोर्ट्स ने साइन किया ऋषभ पंत को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। HSBC ने साइन किया है विराट कोहली को एज देयर ब्रांड इन्फ्लुएंसर। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा एम्बेसडर बने हैं जियो सिनेमा के, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रोप्ड इन एज CCI चेयरपर्सन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रणवीर कौर। CCI अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रणवीर कौर को, यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। बात करें CCI की, तो इसकी फुल फॉर्म है द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। यह एस्टेब्लिश हुआ 14 अक्टूबर 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसमें कंसिस्ट होता है चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर जो कि अपॉइंट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू CEO ऑफ ट्विटर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लिंडा यकारिनो। लिंडा यकारिनो जो कि एक्स NBC यूनिवर्सल एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव के नियुक्त की जाएंगी CEO ऑफ ट्विटर, ये आप याद रखिएगा। ये रिप्लेस करेंगी एलन मस्क को जो कि रन कर रहे हैं टेस्ला एंड स्पेस एक्स कंपनी। बात करें ट्विटर की, तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक्स कॉर्प। इसके फाउंडर रहे जैक डोर्से, एवान विलियम्स, बिजस्टोन एंड नोहा ग्लास। ट्विटर फाउंड हुआ था 21 मार्च 2006 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसका हेडक्वार्टर भी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन टीम एज एन एम्बेसडर फॉर द स्पेशल ओलंपिक ट्रिप टू बर्लिन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आयुष्मान खुराना। बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को चूज़ किया गया इंस्पायर और सपोर्ट करने के लिए इंडियन कॉन्टिजेंट को जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द अपकमिंग स्पेशल ओलंपिक्स फॉर इंडिविजुअल्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। ये टेक प्लेस होगा बर्लिन में June 16 से लेकर June 25 तक, ये भी आप याद रखिएगा। आयुष्मान खुराना से रिलेटेड न्यूज़ देख लेंगे, वैकफिट ने अपॉइंट किया है आयुष्मान खुराना को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। CoinDCX ने अपॉइंट किया आयुष्मान खुराना को एम्बेसडर फॉर फ्यूचर, यही है कैंपेन। यूनिसेफ ने अपॉइंट किया है आयुष्मान खुराना को एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल्स कमिटी बाय बैडमिंटन एशिया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उमर रशीद। उमर रशीद जो कि जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इन्हें अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ द
टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी बाय बैडमिंटन एशिया, या आप याद रखिएगा, बात करें बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, तो यह एस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1934 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट हैं हिमांता बिस्वा शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ क्वांटस एयरवेज लिमिटेड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वेनेसा हटसन। वेनेसा हटसन जो कि अपॉइंट की गई हैं एज द न्यू CEO ऑफ क्वांटस एयरवेज लिमिटेड, ये बनी है फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन इन द एयरलाइंस हिस्ट्री। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। सो बात करें क्वांटस एयरवेज लिमिटेड की, ये ऑस्ट्रेलिया की एक फ्लैग कैरियर एयरलाइन है जो कि फाउंड हुई थी इन द ईयर 1920। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ NRAI। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कालिकेश नारायण सिंह। NRAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है कालिकेश नारायण सिंह जी को, ये आप याद रखिएगा। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कालिकेश नारायण सिंह TO अज्यूम करेंगे चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑफ NRAI, ये रिप्लेस करेंगे रानिंदर सिंह को, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें NRAI की, तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से कहा जाता है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1951 में। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एंड पॉपुलराइज शूटिंग स्पोर्ट्स इन इंडिया। GV मावलंकर जो कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे, ये फाउंडर प्रेसिडेंट थे NRAI के, ये भी आप याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की रिवीजन कर लेंगे फ्रेंड्स। न्यू 28th CGA बने हैं SS दुबे। प्रेसिडेंट ऑफ असोचम नियुक्त किए गए अजय सिंह। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक अजय बांगा। न्यू CEO ऑफ नीति आयोग BVR सुब्रमण्यम। न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ MV सुचिंद्रा कुमार। चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड अनिल कुमार लाहौटी। CEO ऑफ FSI गांजी कमलावी राव। चेयरमैन ऑफ NABARD KV शाहजी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ FICCI शैलेश पाठक। न्यू इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया मेघना अहलावत। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन PT उषा। CEO ऑफ यूट्यूब नील मोहन। और न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ NASA नियुक्त किए गए हैं ऐसी चरानिया जो कि एक इंडियन ओरिजिन है, यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ GUCCI। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आलिया भट्ट। GUCCI जो कि एक लग्जरी फैशन ब्रांड है इटली का, इसने अपॉइंट किया है आलिया भट्ट को एज इट्स फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया। ये डेब्यूट करेंगी एज द ब्रांड्स न्यूएस्ट ग्लोबल एम्बेसडर एट द GUCCI क्रूज 2024 शो, जो कि प्लेस होगा कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया सियोल में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ असोचम। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अजय सिंह। वाइस चेट चीफ अजय सिंह टेक ओवर करेंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया असोचम। ये रिप्लेस करेंगे सुमंत सिन्हा जी को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिन्यू पावर हैं। इन्होंने कंप्लीट किया अपना टेन्योर एट द चैम्बर। बात करें असोचम की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर 1920 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रोप्ड इन एज 40th प्रेसिडेंट ऑफ FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सुधा शिवकुमार। सुधा शिवकुमार को अपॉइंट किया गया एज 40th प्रेसिडेंट ऑफ FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO, जो कि ओल्डेस्ट वीमेन लेड एंड वीमेन सेंट्रिक बिजनेस चैम्बर है साउथ ईस्ट एशिया में। बात करें FICCI की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका फॉर्मेशन हुआ इन द ईयर 1927। इसके फाउंडर रहे घनश्याम दास बिल्ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर शुभ्रकांत पांडा और सेक्रेटरी जनरल हैं शैलेश पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been selected as the new chairman of the Atomic Energy Commission and Secretary of the Department of Atomic Energy? Right answer is option A,
अजित कुमार मोहंते जो कि एक वेल नोन फिजिसिस्ट हैं और इन्होंने ही सर्व किया एज द डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क। इन्हें सेलेक्ट किया गया एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स, ये रिप्लेस करेंगे के एन व्यास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द 2023 पैराग्वे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सैंटियागो पेना। तो पैराग्वे के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं सैंटियागो पेना, ये आप याद रखिएगा। बात करें पैराग्वे की तो ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री है जिसे ऑफिशियली जाना जाता है रिपब्लिक ऑफ पैराग्वे के नाम से। इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है असंशन और इसके प्रेसिडेंट बने हैं सैंटियागो पेना। इसकी करेंसी है गोरानी, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। रीसेंट के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स की रिवीजन कर लेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम बने वो वैन दोन। ओसामा हमद अपॉइंट किए गए एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ लिबिया। लुडोविट ओडोर अपॉइंट किए गए एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवाकिया। क्राउन प्रिंस ऑफ अबूधाबी बने शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। बोला तिनुबु को अपॉइंट किया गया एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। क्रिस हिपकिंस बने हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। लुइस इनेशियो लुला द सिल्वा ये नियुक्त किए गए प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। सितिवेनी रेबुका ये न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड द फर्स्ट वुमेन टू लीड इंडियाज लार्जेस्ट NBFC पावर फिनांस कॉरपोरेशन PFC? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, परमिंदर चोपड़ा। द पब्लिक एंटरप्राइज सेलेक्शन बोर्ड PESP ने रेकमेंड किया परमिंदर चोपड़ा को एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फिनांस कॉरपोरेशन PFC। ये फर्स्ट वुमेन होंगी जिन्हें की अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ द महारत्ना कंपनी। बात करें पावर फिनांस कॉरपोरेशन की तो ये इंडिया का लार्जेस्ट NBFC है यानी नॉन बैंकिंग फिनांशियल कॉरपोरेशन है बाय नेटवर्थ, ये आप याद रखिएगा। ये इनकॉर्पोरेट किया गया 16 जुलाई 1986 में। गवर्नमेंट ने इसका स्टेटस रेज किया फ्रॉम नवरत्ना टू महारत्ना PSU ऑन 12th अक्टूबर 2021। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिगेल डियास कैनल हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्यूबा। मिगेल डियास कैनल को री इलेक्ट किया गया है क्यूबा के प्रेसिडेंट के रूप में, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। बात करें क्यूबा की तो इसकी कैपिटल है हवाना, यहाँ आप देख सकते हैं क्यूबा। प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट सेक्रेटरी बने हैं मिगेल डियास और प्राइम मिनिस्टर हैं मैनुअल मेरेनो क्रूज। इसकी करेंसी है क्यूबन पैसो, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड इन्फ्लुएंसर ऑफ HSBC इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विराट कोहली। विराट कोहली को नियुक्त किया गया है एज द ब्रांड इन्फ्लुएंसर ऑफ HSBC इंडिया, ये आप याद रखिएगा। HSBC होल्डिंग PLC ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसको फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया गया ऑन 3rd March 1865 एज द हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंक। 25th March 1991 में इसे इस्टेब्लिश किया गया एज HSBC होल्डिंग PLC। इसका हेडक्वार्टर है एट कैनेडा स्क्वायर में और इसके फाउंडर रहे सर थॉमस सुदरलैंड। रीसेंट के एम्बेसडर अपॉइंटमेंट्स की रिवीजन कर लेंगे। सालिमा टेटे अपॉइंट की गई एज द AHF एथलीट एम्बेसडर। लग्जन ने सिलेक्ट किया विराट कोहली को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। वायाकॉम 18 ने अनाउंस किया फॉर्मर कैप्टन MS धोनी एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर श्रेया गोदावत को अपॉइंट किया गया एज इंडियाज एम्बेसडर फॉर शी चेंजेस क्लाइमेट अ ग्लोबल कैंपेन ड्राइविंग अवेयरनेस ऑफ द क्रूशियल रोल ऑफ वीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नास्कॉम? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अनंत महेश्वरी। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्रेसिडेंट अनंत महेश्वरी को अपॉइंट किया गया एज चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम फॉर 2023 to 2024। इससे पहले इन्होंने सर्व किया एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम।
NASSCOM has also appointed Rajesh Nambiar as Vice Chairperson, ये भी आप याद रखिएगा. बात करें NASSCOM की तो NASSCOM refers to National Association of Software and Service Companies. इसका फॉर्मेशन हुआ 1 मार्च 1988 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. रीसेंट के अपॉइंटमेंट्स के करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे. अरुण सिन्हा को अपॉइंट किया गया एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO. जस्टिस SV भट्टी अपॉइंट किए गए एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ केरल हाईकोर्ट. देवादत्त चंद को नामित किया गया एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा. सिद्धांत मोहंते अपॉइंट किए गए एज चेयरमैन ऑफ LIC अंटिल जून 2024. हरिहारा मिश्रा ने टेक किया है चार्ज एज CEO ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज. पंकज सिंह को इलेक्ट किया गया एज साइकिलिंग फेडरेशन प्रेसिडेंट. श्रीकांत भांडीवाद को नामित किया गया एज चेयरमैन ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक. अपरेश कुमार सिंह न्यू चीफ जस्टिस बने त्रिपुरा हाईकोर्ट के, ये भी आप याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ LIC. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रत्नाकर पटनायक. लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC ने अनाउंस किया अपॉइंटमेंट ऑफ रत्नाकर पटनायक एज द न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर. यह आप याद रखिएगा, ये रिप्लेस करेंगे PR मिश्रा को. बात करें LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की, तो ये फाउंड हुआ 1 सितंबर 1956 में. इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंते. अपॉइंटमेंट देख लेंगे रिलेटेड टू फिनांस एंड बैंकिंग. न्यू MD एंड CEO ऑफ कर्नाटक बैंक हैं शेखर राव. इंदरमित गिल न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक. पियरे ओलिवियर कोरिंचास न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF. गीता गोपीनाथ फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. उर्जित पटेल न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ AIIB. शक्तिकांत दास 25th गवर्नर ऑफ RBI. अजय बांगा न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक. निर्मला सीतारमण करेंट फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. TV सोमनाथन करेंट फिनांस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. V अनंत नागेश्वरन करेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. अजय सिंह न्यू प्रेसिडेंट ऑफ असोचम. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डिल्मा रोसेफ. फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट डिल्मा वना रोसेफ ये इलेक्ट की गई एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक NDB. ये रिप्लेस करेंगी मार्कस रॉयजो को. बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसे जाना जाता है ब्रिक्स बैंक के नाम से भी. ये एक मल्टीलैटरल फिनांशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सेटअप किया गया 5 कंट्रीज़ के द्वारा. ये 5 कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. इन्हें ब्रिक्स कंट्रीज़ कहा जाता है. NDB फाउंड हुआ 15 जुलाई 2014 में. इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में. ब्रिक्स समिट 2023 होस्ट कंट्री रहेगी साउथ अफ्रीका और 14 ब्रिक्स समिट 2022 की होस्ट कंट्री रही चाइना. ये भी आप याद रखिएगा. यहाँ आप देख सकते हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका. इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की रिवीजन कर लेंगे फ्रेंड्स. न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक बने हैं अजय बांगा जी. CEO ऑफ यूट्यूब नियुक्त किए गए नील मोहन जी. CEO ऑफ सिलिकन वैली बैंक बने हैं टिम मायोपोलस. अरुण सुब्रमण्यम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज बने हैं न्यूयॉर्क कोर्ट के. कैग जी सी मुर्मू सिलेक्ट किए गए एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अपॉइंट किया फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मोंटे डेसाई को एज हेड कोच. यूनिलीवर ने अपॉइंट किया है चुमाचर को एज न्यू CEO. जासोन मू को अपॉइंट किया गया एज CEO ऑफ बैंक ऑफ सिंगापुर. सिंडी हुक को नामित किया गया एज CEO ऑफ 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ नासास मून टू मार्स प्रोग्राम. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अमित क्षत्रिया. अमित क्षत्रिया जो कि एक इंडियन अमेरिकन सॉफ्टवेयर एंड रोबोटिक्स इंजीनियर हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया
और द नासास मून टू मार्स प्रोग्राम। ये नासा के न्यू ऑफिस के नेक्स्ट हेड होंगे, जो कि एस्टेब्लिश किया गया है रिसेंट में बाय द स्पेस एजेंसी। इसका मिशन है मून और रेड प्लैनेट मार्स पर एजेंसी के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटीज़ को एक्सक्यूट करना। बात करें नासा की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। ये फाउंड हुआ 1958 में और इसके फाउंडर रहे ड्वाइट डी आइजनहावर। इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज UEFA प्रेसिडेंट अनअपोज्ड टिल 2027। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर सेफरीन। अलेक्जेंडर सेफरीन को री इलेक्ट किया गया एज द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन UEFA प्रेसिडेंट, ये आप याद रखिएगा। ये एक स्लोवेनियन है हु वॉज फर्स्ट इलेक्टेड एज UEFA's 7th प्रेसिडेंट इन 2016 और ये सर्व करेंगे अनादर 4-year टर्म अंटिल 2027। बात करें UEFA की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ 15 जून 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है नियोन स्विट्ज़रलैंड में। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। हॉकी इंडिया, ये फाउंड हुआ 2009 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेसिडेंट हैं दिलीप टर्की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, इसका फॉर्मेशन हुआ 15 जून 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई UAE में। चेयरमैन हैं ग्रेग पार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और CEO हैं जॉफ अल्लारिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI, इसका फॉर्मेशन हुआ 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेसिडेंट हैं रोगर बिनी और सेक्रेटरी हैं जय शाह। फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन FIFA, ये फाउंड हुआ 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है ज़ुरिक स्विट्ज़रलैंड में और प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवलॉन इंडिया हैज़ नेम्ड विच स्पोर्ट्समैन एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने अनाउंस्ड किया सचिन तेंदुलकर को एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर टू इंस्पायर बिलियंस टू वॉश देयर हैंड्स। नेक्स्ट, हु बिकम्स फर्स्ट फीमेल अम्पायर टू ऑफिशिएट मेंस T20 इंटरनेशनल मैच। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, किम कोटन। 5 अप्रैल को ड्यूरिंग द सेकेंड T20 इंटरनेशनल मैच बिटवीन श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड इन ड्यूनडिन, किम कोटन बनी फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज एन ऑन फील्ड अम्पायर इन अ मेंस इंटरनेशनल मैच बिटवीन टू फुल मेंबर टीम्स मेकिंग हिस्ट्री। बात करें न्यूजीलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर की, तो ये हैं क्रिस हिपकिंस, ये भी आप याद रखिएगा। वीमेन देख लेंगे जो कि न्यूज़ में रहीं। रायना बन्नावी इज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ सऊदी अरबिया टू गो ऑन अ स्पेस मिशन इन 2023। अवानी चतुर्वेदी फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट है IAF की, जिन्हें शेड्यूल किया गया टू पार्टिसिपेट इन द इनॉग्रल एयर एक्साइज वीर गार्डियन 2023। शांति कुमारी फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना बनी। क्रिस्टीना कोच विल बिकम द फर्स्ट वुमेन टू गो अराउंड द मून। हैकानी जकालो ऑफ द NDPP मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द 60-member नागालैंड असेंबली। इंडियन ओरिजिन मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है फर्स्ट फीमेल सिख जज इन द US, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ TIE राजस्थान। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, शेनू झावर। द इंडस एंटरप्रेन्योर्स TIE राजस्थान ने अपॉइंट किया डॉक्टर शेनू झावर को एज द न्यू प्रेसिडेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 years फ्रॉम 2023 to 2025। ये मार्क करता है हिस्टोरिक मोमेंट, क्योंकि डॉक्टर झावर बनी है फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन इन द 21-year हिस्ट्री ऑफ TIE राजस्थान, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नीरज निगम। नीरज निगम अपॉइंट किए गए एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द RBI, ये आप याद रखिएगा। अपने न्यू रोल में निगम रेस्पॉन्सिबल होंगे फॉर ओवरसीइंग सेवरल डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, फिनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, लीगल एंड सेक्रेटरी। बात करें RBI की,
तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 में इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द RBI ये इनिशियली सेटअप किया गया कोलकाता में और परमानेंटली मूव हुआ मुंबई में इन द ईयर 1937। बैंक को कंस्टिट्यूट किया गया था एज अ शेयर होल्डर्स बैंक। RBI सेंट्रल बैंक है इंडिया का और ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग द कंट्रीज मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम। सर ऑसबोर्न स्मिथ ये फर्स्ट गवर्नर बने बैंक के। CD देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर हुए RBI के। शक्तिकांत दास 25th गवर्नर ऑफ RBI हैं और 4 डिप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI हैं करंट में। MD पात्रा, MK जैन, M राजेश्वर राव एंड T रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुदेंद्र टंडन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। राइट आंसर इज ऑप्शन C, ग्रीस। रुदेंद्र टंडन ये अपॉइंट किए गए एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ग्रीस। बात करें ग्रीस की तो इसकी कैपिटल है एथेंस, प्रेसिडेंट हैं कैटरीना स्केलरोपोलो और प्राइम मिनिस्टर हैं किरियाकोस मिसोताकिस। करेंसी है यूरो और 1896 में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड किए गए एथेंस ग्रीस में, ये भी आप याद रखिएगा। इंडिया एम्बेसडर टू अदर कंट्रीज़ देख लेंगे, सुहेल एजाज खान इंडियाज एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया नियुक्त किए गए। CB जॉर्ज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जापान। विक्रम दोरास्वामी ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किए गए। प्रणय कुमार वर्मा न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। तरनजीत सिंह संधु एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। नवीन श्रीवास्तव एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नेपाल। द US सीनेट कमिटी हैज़ अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ एरिक करसेटी एज द न्यू US एम्बेसडर टू इंडिया, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, MV सुचिंद्रा कुमार। MV सुचिंद्रा कुमार को अपॉइंट किया गया है एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। ये रिप्लेस करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल PS राजू को, जो कि टेक ओवर करेंगे एज द हेड ऑफ द साप्त शक्ति कमांड इन जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल DG ऑफ PIB रिसेंटली। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा जी को अपॉइंट किया गया एज प्रिंसिपल DG डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB। बात करें PIB की तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये फॉर्म हुआ था June 1919 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जिष्णु बारुआ। तो जिष्णु बारुआ जी को अपॉइंट किया गया है एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये आप याद रखिएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC ये फाउंड हुआ 24th July 1998 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक ओवर एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न कमांड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी ने टुक ओवर किया है एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न कमांड, ये आप याद रखिएगा। बात करें वेस्टर्न नेवल कमांड के बारे में तो ये इंडियन नेवी के फॉर्मेशन के 3 कमांड लेवल में से एक है, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ये आप याद रखिएगा। डिफेंस चीफ की रिवीजन कर लेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं एडमिरल R हरिकुमार, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु इज नेम्ड लग्जर्स ब्रांड एम्बेसडर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विराट कोहली। लग्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने साइन किया है क्रिकेटर विराट कोहली को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पूजा जैन गुप्ता जी, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ब्रांड एम्बेसडर्स की रिवीजन कर लेंगे,
एमएस धोनी को नियुक्त किया गया वायाकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर। सूर्य कुमार यादव जियो सिनेमा के लियोनी मेसी बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर फॉर प्यूमा इंडिया हरमनप्रीत कौर, नेशनल एम्बेसडर ऑफ द यूनिसेफ इंडिया आयुष्मान खुराना, ब्रांड एम्बेसडर फॉर पेप्सिको इंडिया रणवीर सिंह, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड प्रसून जोशी, मणिका बत्रा एंड पलक कोहली एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। सौरव गांगुली बंधन बैंक, युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड, ब्रांड एम्बेसडर फॉर ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड वीमेन क्रिकेटर्स यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर बनी हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए मणिक साहा। मणिक साहा ने ओथ ली है एज त्रिपुरा CM फॉर द सेकेंड टाइम। ये ओथ सेरेमनी प्लेस हुई एट विवेकानंद मैदान इन अगरतला। चीफ मिनिस्टर मणिक साहा वॉर्न फ्रॉम द टाउन बरदौली कंस्टिट्यूएंसी इन त्रिपुरा। बात करें त्रिपुरा की तो इसकी कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर हैं मणिक साहा और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 60, लोकसभा सीट्स 2 और राज्यसभा सीट्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमेन IAF ऑफिसर टू गेट अ कमांड अपॉइंटमेंट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी शालिजा धामी। शालिजा धामी कमांड नियुक्ति पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी बनी है, ये आप याद रखिएगा। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में कि किसी वुमेन को सिलेक्ट किया गया एज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ अ मिसाइल स्क्वाड्रोन नियर द पाकिस्तान बॉर्डर। शालिजा धामी ये बोर्न हुई थी लुधियाना पंजाब में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट न्यूयॉर्क कोर्ट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए अरुण सुब्रमण्यम। इंडियन अमेरिकन अरुण सुब्रमण्यम को कन्फर्म किया गया एज द फर्स्ट साउथ एशियन डिस्ट्रिक्ट जज फॉर द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? राइट आंसर इज ऑप्शन बी संजीवा शंकर दुबे। संजीवा शंकर दुबे अपॉइंट किए गए एज द 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA, ये आप याद रखिएगा। CGA प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है ऑन अकाउंटिंग मैटर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिकी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी शैलेश पाठक। शैलेश पाठक को अपॉइंट किया गया एज न्यू सेक्रेटरी ऑफ फिकी, ये आपने याद रखना है। फिकी की बात हुई है तो फिकी के बारे में देख लेंगे। फिकी इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है जिसका फॉर्मेशन हुआ इन द ईयर 1927। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेसिडेंट हैं शुभ्रकांत पांडा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक? राइट आंसर इज ऑप्शन सी अजय बांगा। अजय बांगा जो कि एक इंडियन ओरिजिन है, इन्हें नियुक्त किया गया एज द हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये आप याद रखिएगा। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो ये एस्टेब्लिश हुआ इन द ईयर 1944। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। इसके हेड हैं अजयपाल सिंह बांगा जी और MD एंड CFO हैं अंशुला कांत जो कि एक इंडियन हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंद्रमित गिल, ये एक इंडियन हैं। रिसेंटली परमवेश्वरन अय्यर को अपॉइंट किया गया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल क्वालिटी अश्योरेंस? राइट आंसर इज ऑप्शन बी RS रीनो। क्वालिटी अश्योरेंस के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए RS रीनो, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर स्वॉन इन एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट और UT? राइट आंसर इज ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं एस अब्दुल नज़ीर, ये आप याद रखिएगा। इन्होंने रिप्लेस किया बिस्वा भूषण हरिचंदन को। बिस्वा भूषण हरिचंदन ये अपॉइंट किए गए एज न्यू गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। ईयर 2023 में
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 गवर्नर्स को अपॉइंट किया है, इनके बारे में देख लेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। गुलाब चंद कटारिया नियुक्त किए गए हैं गवर्नर ऑफ आसाम। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर नियुक्त किए गए। एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर बिहार। बी डी मिश्रा एलजी ऑफ लद्दाख यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख नियुक्त किए गए। बिस्वाभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़। अनुसुईया उइके मणिपुर। ला गणेशन नागालैंड। फागु चौहान मेघालय। केवल्या त्रिविक्रम पटनायक अरुणाचल प्रदेश और रमेश बायस महाराष्ट्र के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, यहाँ आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ILO इन जेनेवा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को अपॉइंट किया गया एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ILO इन जेनेवा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू को सिलेक्ट किया गया एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा फॉर 4 ईयर टर्म फ्रॉम 2024 to 2027। बात करें ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ 11 अप्रैल 1919 में। ये एक यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं गिल्बर्ट होंगबो जी और इसे अवार्ड दिया गया था नोबल पीस प्राइज़ 1969 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस हैज़ अपॉइंटेड होम एज कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अफशा खान। UN ने नामित किया है इंडो कैनेडियन अफशा खान को इनकी पोस्ट फॉर ड्राइव टू एंड मेल न्यूट्रिशन। या आप याद रखिएगा, अफशा खान को अपॉइंट किया गया एज कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्केलिंग अप न्यूट्रिशन सन मूवमेंट, या आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रॉब्ड इन एज न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राजीव रघुवंशी। राजीव रघुवंशी जी को अपॉइंट किया गया है भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में, या आप याद रखिएगा। ये सुपरसीड करेंगे डॉक्टर PNB प्रसाद को। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI हेड करता है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO को। CDSCO एक नेशनल लेवल रेगुलेटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़रूर याद रखिएगा। ये रिप्लेस करेंगे परमावेश्वरन अय्यर जी को। अय्यर जी को अपॉइंट किया गया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया बाय अ न्यू इंस्टीट्यूशन नीति आयोग ऑन January 1, 2015। इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और वाइस चेयरमैन हैं सुमन बैरी जी। मेजर इंडेक्सेस जो कि रिलीज़ किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा, वे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 62nd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सोशल कमीशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज जी को अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ 62nd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सोशल कमीशन, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेंटर अपॉइंटेड हाउ मैनी जजेस टू सुप्रीम कोर्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 5। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ बढ़कर हो गई है 32 और एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ है 34।
अपॉइंटेड जजेस के नाम देख लेंगे, जस्टिस पंकज मिथाल ये चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट हैं, जस्टिस संजय करोल चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट, जस्टिस पीवी संजय कुमार चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाईकोर्ट, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला ये जज हैं पटना हाईकोर्ट के, जस्टिस मनोज मिश्रा ये जज हैं अलाहाबाद हाईकोर्ट के, यहाँ आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस एंड एज मैनी एडिशनल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एज ही कंसीडर्स अप्रोप्रिएट। चीफ जस्टिस हैज़ टू कंसल्ट अ कॉलेजियम ऑफ एट लीस्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाइल गिविंग एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, के सत्यनारायण राजू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कैनरा बैंक। के सत्यनारायण राजू अपॉइंट किए गए हैं एज द MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक, ये आप याद रखिएगा। इन्होंने रिप्लेस किया LV प्रभाकर को, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। कैनरा बैंक के बारे में देख लेंगे, ये नेशनलाइज्ड किया गया इन द ईयर 1969। इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं विजय श्री रंगन जी और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। बैंक्स के MD और CEO की रिवीजन कर लेंगे। बंधन बैंक के MD एंड CEO हैं चंद्रशेखर घोष जी, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। पंजाब नेशनल बैंक अतुल कुमार गोयल, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ICICI बैंक संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर मुंबई। HDFC बैंक शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर मुंबई। एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी जी, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया रजनीश कर्नाटक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया MV राव मुंबई। कोटक महिंद्रा बैंक उदय कोटक मुंबई। कैनरा बैंक के सत्यनारायण राजू। इंडियन ओवरसीज बैंक अजय श्रीवास्तव, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एक्स सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द शूटिंग वर्ल्ड कप 2023। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, AK सीकरी। AK सीकरी जो कि एक्स सुप्रीम कोर्ट जज हैं, ये अपॉइंट किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड टू ओवरसी द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर द अपकमिंग इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप, जो कि शेड्यूल किया गया भोपाल इंडिया में मार्च में, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNEP फॉर द सेकेंड टाइम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंगर एंडरसन। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया इंगर एंडरसन, जो कि डेनमार्क से हैं, सेकेंड 4-year टर्म एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP। इसका फॉर्मेशन हुआ 5 जून 1972 में। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में, ये आप याद रखिएगा। ये है इंगर एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, ये आप याद रखिएगा। NHA जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये एस्टेब्लिश हुआ इन द ईयर 2018 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लेयर लोम्बर्डेली। क्लेयर लोम्बर्डेली को अपॉइंट किया गया एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। बात करें OECD की तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यह एस्टेब्लिश किया गया 30 सितंबर 1961 में।
इसका हेड क्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ओवरसीज प्रोजेक्ट ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO। राइट आंसर इज ऑप्शन ए कैप्टन सुरभि झकमोला। कैप्टन सुरभि झकमोला फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर बनी है जिन्हें की पोस्ट किया गया है ओवरसीज प्रोजेक्ट ऑफ BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। BRO इसकी फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यह एस्टेब्लिश हुआ 7 मार्च 1960 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल हैं राजीव चौधरी जी। ये हैं कैप्टन सुरभि झकमोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन एज द स्टेट आइकन ऑफ बिहार। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर जो कि एक फोक सिंगर हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया बाय द इलेक्शन कमीशन एज द स्टेट आइकन ऑफ बिहार। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी जो कि फॉर्मर कर्नाटक हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रहे, इन्हें अपॉइंट किया गया एज चेयरपर्सन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। बात करें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर 1834 में। ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है 3 ईयर्स के लिए। इसमें एक चेयरमैन, एक परमानेंट मेंबर, 1 मेंबर सेक्रेटरी, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स, 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन ऑफ 21st लॉ कमीशन रहे जस्टिस P.S. चौहान और फर्स्ट लॉ कमीशन चेयरमैन रहे 1955 में M.C. सेटालवाड, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। राइट आंसर इज ऑप्शन डी शांति कुमारी। शांति कुमारी जी फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना बनी है, ये आप याद रखिएगा। बात करें तेलंगाना की तो यह एस्टेब्लिश हुआ 2 जून 2014 में। इसकी कैपिटल है हैदराबाद जो कि मूसी रिवर के किनारे स्थित है। चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव जी। गवर्नर हैं तमिलीसाई सौंदरराजन जी, ये भी आप याद रखिएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 119 सीट्स, लोकसभा सीट से 17 और राज्यसभा सीट्स हैं 7। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। जितने भी 2023 के अपॉइंटमेंट के करंट अफेयर्स रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में लेने की पूरी कोशिश की है। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Thank you so much for watching the video.